आपसे क्या कह रहे हैं, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस पे बेस जो दो तीन क्वेश्चन और हैं आपके इस चैप्टर में, वो हम कर लें। अब हम सेम सेम टॉपिक के करेंगे जैसे हमने चैप्टर 3 में किए थे। ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगेन अगर हम बात करें सिंपल स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो आप क्या कह रहे हो, ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हमें मालूम नहीं है, लेट द स्पीड इज एक्स किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 बाई एक्स। तो ये हमारा एक टाइम आ गया जब हमारी स्पीड एक्स है। यस और नो? हाँ भैया सब बच्चे बताइए, अगर हमारा डिस्टेंस 480 किलोमीटर है एंड ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर देन टाइम टेकन विल बी 480 बाय एक्स। यस और नो? यस सर। नाउ नाउ द क्वेश्चन इज इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इफ वी रिड्यूस द स्पीड बाय 8 किलोमीटर, तो नाउ द न्यू स्पीड विल बी एक्स माइनस 8। ठीक है, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Distance अभी भी same है, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो टाइम होगा ये 3 घंटे ज्यादा लगेगा पिछले वाले से प्लस 3, तो वो तो बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस जो है अभी 480 है और स्पीड नाउ हमारी x माइनस 8 हो गई है, तो हमारा जो टाइम लगेगा वो लगेगा 480 बाई एक्स माइनस 8। अब हमारा नया वाला जो टाइम है, ठीक है, वो ये होगा 480 बाई एक्स माइनस 8। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो स्लो स्पीड वाला टाइम है T2 और ये जो पहला वाला टाइम है T1, इन दोनों में 3 घंटे का गैप है। और 3 घंटे भी कौन सा ज्यादा है, बाद वाला टाइम ज्यादा है, पहले वाला टाइम कम है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो T2 is T1 plus 3, पहले वाले से 3 hours more, या तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, या फिर जो है आप ये कह सकते हो कि T2 minus T1 is 3, आप ये भी कह सकते हो T2 minus T1 is equals to 3, ये भी आप कह सकते हो, दोनों चीजें सेम है। तो हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। सब बच्चे बताएं समझ में आया या नहीं आया। 3 क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पे बेस्ड बेटे, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों क्वेश्चन में। बताइए तो अगर हमारे पास ये आ जाएगा तो तीनों क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या आप सब बच्चों को? यस सर। कहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? मैं इसलिए इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस टाइम। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड 480 किलोमीटर, सो टाइम टेकन
480 by x, सिंपल। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है स्पीड डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, सो स्लो स्पीड या न्यू स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन 480 by x minus 8। तो क्या कह रहा है आपसे? गिवन डिफरेंस इन टाइम 3 आवर्स। सब बच्चे ध्यान से देख लें, सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी। सब बच्चे सुन लें ध्यान से प्लीज, आप सब बच्चे सिर्फ यही कंफ्यूज होंगे कि किस टाइम में से किसको माइनस करना है। We have two timings, 480 by x and 480 by x minus 8, and difference भी मालूम है 3 hours का है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किसमें से किसको माइनस करना है। तो सबसे ईजी तो ये है, अगर स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज्यादा होगा। जब आप स्लो चलते हैं तो आपको देर लगती है, टाइम ज्यादा लगता है। तो हमारे पास क्या आएगा? 480 अपॉन x minus 8 minus 480 अपॉन x is equals to 3। हमने सॉल्व भी किया था, दोबारा से हम सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और जब एलसीएम ना समझ में आए तो सीधा सीधा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x माइनस 8 इंटू x, आप इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस x माइनस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480x। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ बीच में माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, तो ये आपके पास आएगा 800, 88 जा 64, 84 जा 32 एंड 638, ऐसे। तो आपके पास कितना आना है? 480x कैंसिल, और 3840 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं 3 को अपॉन में ला रहा हूँ, और ये x माइनस 8 और x को यहाँ ला रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 8x। सब बच्चे ध्यान से, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा और ये 3 वापस नीचे आ जाएगा, तो 3 से कैंसिल करिए, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 एट जा 24, 1280 को भी एक साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स करके हमारे पास 8 आना चाहिए माइनस होके। किसी बच्चे ने अगर सॉल्व किया हो तो 1280 के फैक्टर बताओ मुझे, 1280 के फैक्टर्स किसी ने किए हो तो 64 इंटू 20 भी होगा वैसे तो, और 32 इंटू 2 भी होगा, तो यही फैक्टर्स हैं बस। देखो ऐसे फैक्टर्स कर लेते हैं फिर पेयरिंग करते हैं, तो ये फैक्टर हो रहा है 40 और ये फैक्टर हो रहा है 32, और 40 माइनस 32 8 होता है जी सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन, सो एक्स माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, अगेन एक्स माइनस 40। ध्यान रखिएगा बीच में अगर साइन प्लस होता है तो इनर साइन चेंज नहीं होता, फिर सेम रहता है, और बीच वाला साइन मिडिल साइन अगर नेगेटिव होता है तो इनर साइन अपने आप पॉजिटिव होना है। तो हमारे पास क्या आएगा? x माइनस 40 कॉमन आ जाएगा एंड x प्लस 32। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे आप सब बच्चों को ध्यान रखना है। आपके पास एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 40 और एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू माइनस 32, और शायद अगर आपको याद हो तो x आपका ट्रेन की स्पीड है। यस बेटे, x आपका ट्रेन की स्पीड है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आप मेंशन कर देंगे। तो इसका मतलब इस आंसर को नहीं लेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? तो हमारा x हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, सो ट्रेन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ समझ में आया? यस सर। इसे सब बच्चे नोट करें क्योंकि 3 क्वेश्चन आज आप ही को करने हैं। मैं बहुत तेजी से करा रहा हूँ बट अब ये आप करेंगे जरा, आज माशाल्लाह मेरे साथ एक दो क्वेश्चन
अलैकुम। खैरियत से है? हमारे पास क्या है, अगेन सेम क्वेश्चन सेम इक्वेशन, कुछ भी डिफरेंट नहीं है जो भी हमने पहला किया था। ये ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगेन स्पीड डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड इज एक्स, टाइम टेकन इज 360 बाय एक्स। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड इंक्रीज हो गई, सो नाउ एक्स प्लस 5, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, नाउ टाइम विल बी 1 आवर लेस फॉर द सेम डिस्टेंस 360। कोई बच्चा बताएगा टाइम कितना लगेगा अब? 360 upon x plus 5। दोनों टाइम में 1 आवर का गैप है, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा मैं t1 माइनस t2 लिखूं या t2 माइनस t1 लिखूं? t2 माइनस t1। अदनान, हमारी कौन सी स्पीड फास्ट है, पहली वाली दूसरी वाली? फास्ट स्पीड अरे प्लस दूसरे में हो रहा है। तो जब आप तेज चलोगे टाइम कम लगता है ज्यादा लगता है? कम जी, कम कम लगेगा। तो बताओ t1 ज्यादा है t2 ज्यादा है? t1 t1 माइनस t2 होगा। बस ये बेटे कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना, इसीलिए बार बार कह रहा हूं आप सब बच्चों को हमेशा, अगर नहीं समझ में आ रहा, अब दूसरा मेथड समझ लीजिए बेटे। अगर नहीं समझ में आ रहा, आपसे क्या कह रहा है कि बाद वाले टाइम में 1 घंटा कम लगता है, तो आप सपोज कर लो अपनी तरफ से कि भाई मान लो पहले 5 घंटे लगे थे तो अब 4 घंटे लग रहे हैं, यस और नो? यस सर। इतना तो समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आ गया ना कि नाउ ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। बेटे यहाँ कंफ्यूजन होगा ही होगा सब बच्चों को, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि 5 minus 4 is equals to 1। तो मेरा 5 क्या है बेटे? मेरा 5 है 360 by x। मेरा 4 क्या है बेटे? मेरा 4 है 360 by x plus 5। दोनों में गैप कितने का है? 1 का। सब बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है अब? यस सर। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी बिल्कुल सेम बेटे, तीनों चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इसलिए कोई इसमें डिफरेंस है ही नहीं, कुछ भी नहीं लैंग्वेज में चेंज होना, वहां पे तो हमारे पास तो थे। तो यहाँ ध्यान रखना स्लो स्पीड 360 by x है, तो स्लो वाला टाइम ज्यादा होता है। दूसरा हमारे पास 360 by x plus 5 है, दोनों का डिफरेंस 1 है। सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे 360 into x, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 into 5, कितना होगा भाई? 1800। यस, माइनस 360x इज इक्वल्स टू 1, क्या होगा बेटे? 360x से 360x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 1800 भी इधर ही ले आइए, तो माइनस हो जाएगा, is equals to 0, yes or no? जी सर। ठीक है सर, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमें फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करके 5 आए, तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है सर, ये हमारे पास आ रहा है 18 into, देखो ध्यान से जैसे भी आप फैक्टर्स करते जाओ, 18 into 2 into 50, ठीक है, 18 into 2 into 25 into 2, ये हमारे पास है, तो हमें चाहिए -1, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है 9 2 18 2 5 into 5 into 2। अब जरा देखो क्या हो सकता है, हमारे पास क्या हो सकता है, 9 5 जा क्या होगा भाई, 45, और हमारे पास क्या होगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 2 जा 40। बताओ 45 into 40, यस और नो? 45 into 40, अगर 45 minus 40 करेंगे तो कितना गैप आएगा बेटे, कितना गैप आएगा? 5 का गैप आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, यस और नो? यस सर। एक्स कॉमन बेटे, एक्स प्लस 45
माइनस का 40 कॉमन बेटे, x प्लस 45 अगेन, तो x प्लस 45 एंड x माइनस 40, तो आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 45 और x इज इक्वल टू 40, ये हमारे पास अगेन नेगेटिव हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या है 40, ठीक है सर, तो ट्रेन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। सब बच्चे बताइए, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। प्लीज आइए क्वेश्चन और, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे। यस, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर, तो ये मैसूर बैंगलोर ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगेन जरा यहाँ देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इक्वेशन बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई। ये हमारे पास है पैसेंजर ट्रेन, ये हमारे पास है एक्सप्रेस ट्रेन। अभी सिर्फ इतना दिया है कि पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है वो 1 घंटा कम है टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो हमारा ट्रेवल कर रही है, एक्सप्रेस ट्रेन हो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, दोनों का 132 किलोमीटर है। क्या इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? Yes, sir. जो लैंग्वेज है बस उसको पहले सिंबल्स में किया करो और पहले 5 मिनट ऐसे ही रफली करना सीखो, फिर आपकी स्पीड बनेगी। हमेशा सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने और कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम होती है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमने क्वेश्चन देखा और पिछले हमने वीडियो देख के या हमने पीडीएफ देख के या सॉल्यूशन देख के या हेल्प से या टीचर से पूछ के सॉल्व कर लिया क्वेश्चन और हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमने सॉल्व कर लिया, बट ये सॉल्यूशन नहीं कहलाता बेटे, ये सिर्फ कहलाता है कि राइटिंग, कि हाँ आपने कॉपी में लिख लिया सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट सॉल्व बाय यू। सॉल्व कब होता है, आप उस क्वेश्चन को दोबारा करें, सेम क्वेश्चन, और ऊपर से लेके नीचे तक लास्ट तक अगर आपने कोई हेल्प नहीं ली, कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई स्टेप आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं से भी आपने सॉल्व कर लिया, नाउ यू सॉल्व इट, अब ये सॉल्व हुआ है आपसे खुद, बट इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, अब इसे दोबारा से करिए। तो जब आप दो बार अपने आप सॉल्व करते हैं वो प्रैक्टिस कहलाती है, और फिर वो जब थर्ड टाइम होगा तो वो हाफ टाइमिंग में होगा बेटे, और एक कॉन्फिडेंस के साथ होगा, एक रिदम के साथ होगा, एक फ्लो होगा आपके अंदर। तो जो बच्चे ये सोच लेते हैं एक ही बार करके कि मुझसे आ गया, मैंने चैप्टर तो कर लिया था सर, तो बेटे वहीं हम अटकते हैं, वो चैप्टर आपने नहीं किया था, आपने कहीं ना कहीं हेल्प ली थी, आपने कहीं फॉर्मूला देखा था, आपने कहीं सॉल्यूशन देखा था, तो प्लीज 2 times आपको विदाउट एनी हेल्प सॉल्व करना है एक क्वेश्चन, और थर्ड टाइम फिर मैं गारंटी देता हूँ हाफ टाइमिंग में सॉल्व होगा बेटे वो क्वेश्चन, हाफ टाइमिंग में। तो प्लीज इधर देखो दोबारा से, अभी तक हमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ था, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, बीच की कहानी सारी बकवास है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट पैसेंजर ट्रेन, तो आपके पास क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है ठीक है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को एक्स लिया है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को x प्लस 11 कंसीडर करोगे, लेकिन ध्यान से देख लीजिए बेटे सब बच्चे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट द एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड इज x, देन पैसेंजर ट्रेन इज x माइनस 11, ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं? यस सर, आ गई। एवरेज बेटे जो डिफरेंस है ना स्पीड का वो 11 है, तो चॉइस इज योर्स कि अगर आप ज्यादा वाले को बताना चाहते हो तो प्लस कर दो, कम वाले को बताना चाहते हो तो माइनस कर दो। तो हम यहाँ पैसेंजर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया लेट द पैसेंजर ट्रेन बी एक्स, सो एक्सप्रेस ट्रेन इज एक्स प्लस 11। जरा मुझे आप सिर्फ इतना सोच के बताओ सब बच्चे कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्स है, डिस्टेंस 132 है, तो टाइम कितना होगा पैसेंजर ट्रेन एक्स अपॉन 130 अपॉन 132। इतनी जल्दी बोल दिया ना, x upon 132 upon x, इतनी जल्दी बोलते हो ना, मतलब यही एग्जाम में कर देना सारी मेहनत बर्बाद, 132 upon x। हाँ बेटे ध्यान रखना है, सोच रहे हो बहुत अच्छी बात है, बोल रहे हो उससे भी अच्छी बात है, बट कंट्रोल, ठीक है। अच्छा बताओ एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना, 132 upon x plus 132 upon x plus 1।
एक्स प्लस 11, शाबाश। अब फिर सोचना और बताना, ये मेरा टी वन है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और ये मेरा टी टू है, तो और 1 आवर का गैप है, ये सबको पता है। तो टी वन माइनस टी टू होगा या टी टू माइनस टी वन होगा? टी वन माइनस टी टू। वेरी गुड, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन स्लो चल रही है तो उसका टाइम ज्यादा है, एक्सप्रेस ट्रेन तेज चल रही है उसका टाइम कम है। फिर सोच सकते हो कि अगर इसे 10 घंटे लग रहे हैं तो ये सिर्फ 9 घंटे लेगी, बिकॉज एक्सप्रेस ट्रेन तेज चल रही है। तो आपके पास क्या होना, टी वन माइनस टी टू इज 1, तो टी वन मेरा क्या है 132 बाई एक्स, और टी टू मेरा क्या है 132 बाई एक्स प्लस 11, और दोनों में गैप कितने का है, 1 आवर का। कितने का है सर? 1 आवर। आप समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर। सबके सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे? यस सॉल्व तो कर लेंगे सब। अब एलसीएम सेम लेना है, 132 है। मैं इक्वेशन भी बना देता हूं, अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, मल्टीप्लाई करिए 132x, और फिर प्लस 132 इंटू 11, 11 टू जा 22, 2, 33 टू 5, 3, 1 एंड 3, 14, 14, 52, माइनस 132x इज इक्वल टू 1, 132x कैंसिल, so you have x square plus 11x minus 1452 is equals to 0. 1452 के factors करने हैं, minus करके 11 आना चाहिए, और 1452 के factors जो हैं, एक तो यही है, 1452 का factor बेटे, एक तो 132 into 11 ही है जिससे multiply करके आया था, और 132 क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12 into 11 into 11, और 12 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 into 3 into 11 into 11, और आप खुद देखो 11 4 जा 44 होता है, और 11 3 जा 33 होता है, और 44 और 33 का गैप कितना है, 11 का। आ गया समझ में? तो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, x square plus 44x minus 33x minus 1452 is equals to 0. आप यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 44, और 33 कॉमन लेंगे तो अगेन x प्लस 44 बेटे, तो x प्लस 44 को आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 33 आएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 44, अगेन नॉट पॉसिबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, इसे हम नहीं लेंगे। तो x इज इक्वल टू 33 इज किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड है। अच्छा, यहाँ पे हमसे दोनों ट्रेन की स्पीड कह रहा है, तो 33 हमारी किसकी स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन की, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमारी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की 44, एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी 44 प्लस 11 है ना बेटे, यस गुड, सबको समझ में आया? यस सर। गुड, आओ जी एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो, राइटिंग रीडिंग पे नहीं, मतलब ये तो सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सारा का सारा आपका पीडीएफ मिल ही जाता है, बट पेन कॉपी रखा करो, तो सिर्फ इक्वेशंस बनाना ये करना इसमें ध्यान दिया करो। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 15, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अगेन दिमाग में क्या रखना है, चैप्टर 3 के जब बोट स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो क्या होता है, पता है किसी को डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या होता है? हमारे पास दो चीजें होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में मैंने कहा था स्पीड होती है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में होती है x माइनस वाई, यस और नो? याद है थोड़ा बहुत, x क्या है यहाँ पे, yes, sir. x क्या है यहाँ पे, x को किसको कहते थे हम, x हम कहते थे बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, तो क्या हमें बोट स्पीड दी हुई है स्टिल वाटर में, सब बच्चे बताओ? yes, sir. कितना दिया हुआ है, yes, 18 और हमसे क्या निकलवा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो निकलवा क्या रहा है y, बात समझ में आ गई,
तो क्या मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स, जहां पे एक्स मेरा स्ट्रीम की स्पीड है, यस और नो? सब बच्चे बताओ जी सर। Yes, yes, सब बच्चे बताइए। मैंने आपसे कहा ना बेटे, अगर चैप्टर 3D को थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। बोट स्पीड बेटे गिवन है 18 और हमने क्या करा, स्ट्रीम स्पीड सपोज कर ली x, तो भाई हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम 18 प्लस x और इन अप स्ट्रीम 18 माइनस एक्स। सब बच्चे बताओ ये बात सही है या नहीं? सर सही है ये? Yes, sir. अब पढ़ो आगे क्वेश्चन yes. क्या कह रहा है, ठीक है? A motor boat whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream. Upstream जाने में 1 hour, upstream जाने में 1 hour extra लगता है वापस आने से। कितने किलोमीटर जाना है? 24 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आना है? 24 किलोमीटर। और टाइम का गैप कितना होगा? 1 hour। ये हमसे कह रहा है। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? A boat takes 1 hour more to go upstream, ठीक है, than to return in downstream, 24 किलोमीटर। अब आप हमें बता दीजिए स्पीड हमारी है 18 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम में और डिस्टेंस हमारा है 24, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम 24 अपॉन 24x। शाबाश, वेरी गुड बेटे। 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आप इस टीम में लगेगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। अगेन ये हमारे पास t1 है, ये हमारे पास t2 है, किसमें से किसको माइनस करूं? T1 minus T2. T1 downstream का टाइम है। T1 downstream का टाइम है बेटे। ठीक है। T2 minus T1 होगा सर। बेटे यहाँ पे 18 plus T1 होगा। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पीड 18 plus x है। तो 18 plus x है अगर, तो फिर ये हमारे पास नंबर ज्यादा है। अगर नंबर ज्यादा होगा तो डिवाइड करके नंबर कम आएगा, इसलिए छोटा हो जाता है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हो जाएगा 24, क्या है प्रॉब्लम, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स जी, बोलिए जी, जी बताइए। एक बार हयात से बात कर लो, मुझसे बता दो, ठीक है? बात कर लो। जी जी बात कर। हो जाए भाई, क्या ड्रामा।